पैसों से तो हम कुछ भी खरीद सकते हैं, पर जब हम कुछ ऐसी कोशिश करते हैं जो खूबसूरत भी होती है, टिकाऊ भी होती है, मजबूत भी होती है और साथ ही साथ हमारे पर्यावरण को बचाने में हमारा एक बहुत बड़ा सा सहयोग भी करती है, कुछ इसी तरह का अनोखा सा संगम है ये छोटी सी टेबल। आप सभी लोग देखिएगा ज़रूर, क्योंकि कुछ काम ऐसे होते हैं जिनके द्वारा आप पर्यावरण को बचाने में अपना बड़ा सा सहयोग कर सकते हैं। नमस्कार, जुगाड़ू बेस्टी पर आप सभी का ढेर सारा स्वागत करती हूँ। कल इसका पूरा का पूरा वीडियो शेयर हो चुका है, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोगों ने देख लिया है। नहीं देखा है तो एक बार देखिएगा ज़रूर, आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी है देखना। मेरे बहुत सारे भाई बहनों ने पसंद भी किया, सराहा भी और साथ ही साथ इस टेबल के बारे में जानना ज़रूर चाहा कि इसको आखिरकार मैं कैसे इस्तेमाल करूँगी। तो ये देखिए, ये रहा अपना एंड यूज। भाई जब हम कुछ बनाते हैं, अपने हाथों से कोशिश करते हैं, तो उसका एंड यूज भी बहुत ज़रूरी होता है। चूँकि कल वीडियो काफ़ी लंबा हो गया था और मुझे लगा कि ये तो मल्टीपर्पज़ है, आप अपने अपने तरीके से इसको इस्तेमाल कर लेंगे। छोटी सी टेबल है अपना, आप कॉफ़ी टेबल बना सकते हैं या आपके घर के अंदर कहीं ज़रूरत है तो वहाँ पर रख दीजिए। पर चूँकि घर के अंदर ऑलरेडी इतना सामान होता है कि ज़रूरत होती ही नहीं है, हमारे गार्डन में एक्चुअल में ज़रूरत होती है, जहाँ पर छोटा छोटा सा स्पेस हमें ऑक्यूपाई करना होता है, छोटे छोटे स्पेस की मारामारी होती है। देखिए छोटे छोटे से कितने सारे मैंने इसके ऊपर रखे, वो सारे मैं दिखाने की कोशिश कर रही हूँ कि छोटे छोटे तो आप यहाँ पर 10-15 अपने पॉट्स रख सकते हैं। और ये जो पॉट्स रखे हैं, हर चीज़ मेरे हाथ की बनी हुई, तो वो सब कुछ आपको पता ही है कि मैं छोटी छोटी कोशिशें करती रहती हूँ। अपनी एक कोशिश होती है कि ढेर सारी प्लास्टिक को बचाएं, पर्यावरण को बचाएं और कुछ अपने हाथों से नया करें, अनूठा करें। तो आप भी इस तरह से आप पॉट्स रख सकते हैं, आधे में रखें, आधे में अपना आप गार्डन में बैठ के चाय पी सकते हैं, कॉफ़ी पी सकते हैं। तो ये आपके हिसाब से है कि आप इसको किस तरह से खूबसूरती के साथ इस्तेमाल करते हैं। देखिए नीचे वाला हिस्सा भी मैंने कैसे इस्तेमाल किया, अब चूंकि इतना स्पेस तो हमारे लिए मायने रखता है ना, तो देखिए एक यहाँ पर मनी प्लांट का बोल मैंने रख दिया, पूरा का पूरा स्पेस हो गया हमारा कवर। चलिए अब थोड़े से सुझाव भी जान लेते हैं, जो सुझाव कुछ अपनों ने दिए वो आपको भी जानने बहुत ज़रूरी हैं। देखिए ये बॉटल्स जो मैंने इको ब्रिक्स बनाई थी, खूब अच्छे से इसमें दबा दबा के मैंने पॉलीथिन्स भरी थी, तो आपको भी अच्छे से दबा दबा के पॉलीथिन्स भरनी है। और ये जो ऊपर का टॉप है ना, तो ये आप और मजबूत बनाने के लिए यहाँ पर आप वायर का इस्तेमाल कर सकते हैं। वायर के टुकड़े डालेंगे तो ये इसमें मजबूती आएगी, पर चूँकि मेरे पास वायर नहीं था, मैं करना चाहती थी वायर नहीं था, तो मैंने यहाँ पर इस टॉप को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा कंक्रीट का इस्तेमाल किया है, जो आप सभी लोगों ने वीडियो में देखा होगा, और वो कंक्रीट इसको बहुत मजबूती देगी। तो आप जब बनाएं तो आप मजबूती का ध्यान ज़रूर रखें, क्योंकि जब हम काम करते हैं तो मजबूती बहुत ज़रूरी होती है। कुछ ऐसा नहीं होता कि हमने किया और टूट जाए तो हमारी सारी मेहनत पर पानी फिर जाएगा। और ये सुझाव दिया देखिए हमारी कुनमुन जी ने, आप तसल्ली से पढ़िएगा, ये जो बॉटल्स हैं इनके लिए भी कुनमुन जी ने सुझाव दिया कि यहाँ पर सीमेंट में हम अपना कोई कपड़ा रैप करके, डिप करके इस बॉटलों पर रैप कर सकते हैं, तो इनमें थोड़ा सा वेट भी ज़्यादा हो जाएगा पैरों पे, तो टॉप का वेट ये सहन कर सकते हैं आराम से। और वायर का भी सुझाव देखिए कुनमुन जी ने ही दिया है, तो आप जब बनाएं तो थोड़ा सा इनके सुझाव को भी ध्यान में रखें। थैंक यू कुनमुन जी, आपका सुझाव मेरे लिए बहुत मायने रखता है और अगली बार मैं इसी तरह से कोशिश करूंगी, वायर का इंतजाम ज़रूर करूंगी। एक ये देखिए अपनी उषा जी ने सुझाव दिया कि बॉटल्स में आप काट के सीमेंट भर सकते हैं, पर अगर आपने वो कपड़ा रैप कर लिया या आपने खूब अच्छे से दबा दबा के बॉटल्स भरी हैं तो शायद इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, पर फिर भी इन दोनों लोगों के सुझाव मेरे लिए मायने रखते हैं, आप अमल कर सकते हैं। वीडियो को लाइक करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए और वीडियो को शेयर करना तो उससे भी ज़्यादा ज़रूरी। अब रही बात चैनल को सब्सक्राइब करने की, वो आपकी मर्ज़ी। मिलती हूँ किसी अगले जुगाड़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।